अभी तक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का कितना गाना रिलीज हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का अब तक कितना गाना आप सभी के बीच आ चुका है। होली, नवरात्रि, बोलबम, छठ गीत और भोजपुरी फिल्म का गाना छोड़ के, और इन सभी का फाइनल लिस्ट मैं जारी करता रहता हूं आप सभी के बीच जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है। और जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा। तो चलिए आप सभी को दिखा देता हूं अब तक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का कितना गाना आप सभी के बीच आ चुका है। अब तक पवन सिंह का टोटल 14 गाना आप सभी के बीच आ चुका है, वहीं खेसारी लाल यादव का 31 गाना आप सभी के बीच आ चुका है। 31वां गाना कल आने वाला है सुबह 11 बजे। और 31 गानों में से खेसारी लाल यादव जी का 2 गाना 100 मिलियन प्लस व्यूज यूट्यूब पे प्राप्त किया है और 1 गाना 50 मिलियन प्लस व्यूज प्राप्त किया है। गाने का नाम भी आप सभी को बताना चाहता हूँ, एगो बात बताई। दूसरा गाने का नाम है तेंगे तेंगे और 50 मिलियन वाले गाने का नाम है बत्ती कट गया रे। अब चलिए बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। 14 गाने में से पवन सिंह का 1 गाना 300 मिलियन प्लस व्यूज प्राप्त किया है, गाने का नाम है आई नहीं, और 5 गाना 50 मिलियन प्लस व्यूज प्राप्त किया है यूट्यूब पे। हाँ तो दोस्तों, ये आज का लेटेस्ट अपडेट है। बाकी 2025 आने से पहले पवन सिंह का सड़िया गाना 100 मिलियन क्लब में शामिल होने वाला है, 3 और गाना 50 मिलियन वाला क्लब में शामिल होने वाला है। और आप सभी को स्क्रीन में लिस्ट दिखा दिया हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।